हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू ऑल आर प्रेजेंट हियर। तो दो चूहे प्रेजेंट हियर, प्लीज मेंशन योर नेम ऑन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल टू ऑल? आर वीडियो ऑडियो क्लैरिटी इज क्लियर? Very good. Yeah. Good morning to all. So, especially for class 10 students, this is our revision class number 10. Okay, revision class number 10. Today we are going to solve some means high order thinking skill numericals based on the combination of resistances. And class 12 students, your chapter name is current electricity. जो students live class में है class 12 का भी, तो वो class 12 level का भी questions है, ठीक है? वो भी आराम से revise कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा class 12 का भी current electricity अभी chapter चल रहा है, ठीक है? तो class 12 and class 10 both के लिए आज का ये class है। तो chapter number current electricity, that is your class 12. Only electricity, that is for your class 10 physics. Okay, so class 10 physics का revision चल रहा है, इसलिए class number 10, ये revision class number 10. Okay, और today we are going to solve some HOTS numericals, means high order thinking skill based on the concept. Okay, क्योंकि हम बहुत सारा question solve कर चुके, बहुत बड़े-बड़े variety वाला question solve कर चुके, तो आज ये question पास दो question solve करेंगे, ठीक है? उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो, ऑल ऑफ यू ओपन योर रिवीजन कॉपी क्लास 10 स्टूडेंट्स, ओके, विथ योर ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। क्वेश्चंस ब्लैक पेन में लिखो और सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ठीक है? मेरे साथ करके चलो, ओके? तो क्लास दो देखो, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का बेस्ड ऑन उसका जो थ्योरी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं और दो दिन का न्यूमेरिकल्स हम कर चुके, ठीक है? और तुम लोग भी बहुत न्यूमेरिकल अभी तक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल, ये सब बारे में आप लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कर चुके, ठीक है? आई मींस वेरी टू आर हैप्पी टू सी यू नो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जो जितना भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चंस सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ अभी जो 29 तो 39 क्वेश्चंस दिया हूं, ठीक है? वो क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चंस थोड़ा मींस क्रिटिकल है, तो ये मैं पर्सनली कॉल करके जो भी क्वेश्चन पूछेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर में, उनको मैं आज और कल तक मैं पर्सनली कॉल करके समझा दूंगा, ओके? तो देखो, फर्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेटर ए वाला एक क्वेश्चन किए थे हम क्लास में, ठीक है? लेटर ए वाला, ठीक है? बट ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, ठीक है? तो ठीक है, सब लोग आ चुके, बढ़िया, सब लोग रिवीजन कॉपी निकालो, ठीक है? और ब्लैक पेन ब्लू पेन, ये क्वेश्चन फर्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लिखो, द लेटर ए, कैपिटल ए, कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, ये लेटर ए, कैपिटल ए, कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? 1 ohm per centimeter, 1 ohm cm inverse, ठीक है? पर सेंटीमीटर कितना ohm? 1 ohm. फर्स्ट ऑफ, द साइड्स ऑफ द लेटर, राइट डाउन, द साइड्स ऑफ द लेटर आर 40 cm लॉन्ग, 40 cm लॉन्ग, डिवाइड्स द साइड्स इन द रेशियो, divides the sides in the ratio 1 is to 3 from the apex, find the resistance,
find the resistance of the letter between the two ends of the legs. The letter A consists of a uniform wire of resistance 1 ohm centimeter per centimeter. Centimeter inverse likha hai. First of the sides of the letter are 14 centimeter long device. The sides in the ratio 1:3. ठीक है, बोर्ड के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बट एनटीएससी के भी कोई फॉर क्लास 10 ये क्वेश्चन एनटीएससी के भी कोई में 3 बार आ चुके हैं। ठीक है, और नीट जेई नीट क्लास 12 ओएटी के लिए भी ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए एनटीएससी के भी में हमको स्ट्रांग करना है, एनटीएससी के भी हमको क्रैक करना है क्लास 10 और फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स नीट जेई ओएटी के लिए। ठीक है, वेरी गुड, सब लोग आ चुके। ठीक है, हाँ, एपेक्स, एपेक्स मतलब ये जो मैं अभी देखो कर रहा हूं, एपेक्स मींस ए साइड, जो ए लेटर जो रहेगा ए साइड एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, साइड मींस लेटर का जो साइड्स है वो एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो, द लेटर ए उसका आंसर 66.6 ओम आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो द लेटर ए कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम सेंटीमीटर, मींस देखो वहां पे जो क्वेश्चन दिया है 1 सेंटीमीटर कितना ओम ना 1 ओम, मींस 1 ओम पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर जो वायर का, जो वायर का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, दैट इज योर 1 ओम पर सेंटीमीटर, कितना रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, तो मान लो सपोज लेटर ए है, ठीक है, मान लो सपोज लेटर ए है, ये ड्रॉ करो डायग्राम, लेटर ए है, ठीक है, द लेटर ए, ठीक है, ये लेटर ए है, द लेटर ए कंसिस्ट ऑफ ए वाइन यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम सेंटीमीटर, द साइड्स ऑफ द लेटर, तो देखो ये जो लेटर का साइड्स है ओ साइड कितना सेंटीमीटर ना 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर ना 40 सेंटीमीटर, लॉन्ग डिवाइस द साइज इन द रेशियो 1:3, तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये ए का ए साइड भी तो 40 सेंटीमीटर होगा, तो ये साइड भी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो साइज का ये जो लॉन्ग है कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन लॉन्ग डिवाइस द साइज इन द रेशियो 1:3, तो ये जो साइड है वो साइड डिवाइड क्या है कितना 1:3, सपोज ये 1 है तो ये 3, तो ये जो क्रॉस पीस, ये जो ए लेटर है वो लेटर, लेटर का सपोज ये क्रॉस पीस है, वो जो क्रॉस पीस 1:3 में डिवाइड हुआ है, कितना 1:3 में, देखो 1:3, ये 1 सपोज ये तो ये 3 है, तो मान लो हम यहां पे हम कंसीडर कर पाएंगे, सपोज ये मान लो एक्स है तो ये क्या होगा 3x होगा। ठीक है, ये सपोज मान लो x है, ये 3x होगा क्योंकि 1:3 रेशियो में है, डिवाइड क्या है कितना 1:3, तो सपोज ये x है ये 3x है, तो ये भी x होगा ये भी 3x होगा। ठीक है, तो देखो वहां पे क्वेश्चन से कांसेप्ट है सब फ्रॉम द एपेक्स, तो ये एपेक्स मींस ये साइड, अमीषा मान थी एपेक्स बोल रही थी, तुम देखो ये एपेक्स मींस ये साइड, साइड को डिवाइड किया है कितना रेशियो 1:3 रेशियो, तो ये 1 तो ये 3, सपोज मान लो ये लेट दैट इज वन साइड x एंड अनदर रेशियो 3x, तो उसको मैं x ले लिया, उसको मैं 3x ले लिया। ठीक है, तो ये भी सपोज x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो अभी देखो फ्रॉम द एपेक्स फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द बिटवीन टू एंड्स ऑफ द लेग्स, मींस दो लेग्स को साइड में दो एंड के साइड में हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट इससे पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि थोड़ा कांसेप्ट है वहां पे। देखो ये 14 सेंटीमीटर, ये x है ये 3x है, तो मान लो कितना होगा, रीड्रॉ करो, मैं फिर रीड्रॉ करूंगा, रीड्रॉ, तो देखो ये 14 सेंटीमीटर है तो उसको x ले लिया मैं, उसको 3x, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर ड्रॉ कर दिया, ये जो क्रॉस पीस जो डिवाइड हुआ है ए का, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर,
यहाँ तक इतना 30, यहाँ पे इतना 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर में, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर बस, क्योंकि टोटल लॉन्ग कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ये ड्रा करो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं? तो ये 10, ये 10, तो ये भी 30, तो ये भी 30 है, तो ये टोटल कितना है ना 40 सेंटीमीटर है। देखो कौन से इक्वल क्वेश्चंस है, तो इसके बाद हो गया, देखो उसको ड्रा करो, ये 10, ये 10, ये 30, ये 30 सेंटीमीटर में है, क्योंकि टोटल लॉन्ग कितना है ना 40, उसको मैं x ले लिया, उसको मैं 3x ले लिया, तो ये 10, ये 30, तो टोटल कितना हो गया 40 हो गया। देखो अभी क्वेश्चन है कि लेटर ए कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन दिया है गिवन ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम सेंटीमीटर। तो एक्चुअली क्वेश्चन है वहां पे, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है ना 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर कितना हुआ ना 10 ओम होगा, देन 30 सेंटीमीटर कितना होगा ना 30 ओम होगा। अभी तो आराम से हम कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है, बात समझ में आ रही है ना तब? ये सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, क्लास 10 स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर 1 ओम क्योंकि दिया है पर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर इनवर्स मीन क्या है, पर सेंटीमीटर कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस ना 1 ओम, तो 1 ओम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितना है 12 ओम, यहां पे 30 सेंटीमीटर 30 ओम। अभी आराम से कर सकते, यस और नो? वेरी गुड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ना? आयुष रंजन मूड, आयुष क्लास 11 स्टूडेंट, तो ये क्लास 10 और 12 का चल रहे हैं, ठीक है, फिर भी रिवाइज करो कुछ नहीं, तो बढ़िया अंडरस्टूड। देन हम जाएंगे बड़े हैं क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ये, तो देखो अब ये 10 ये 10 ये 30 ये 30, अभी फिर मैं रीडर करूंगा उसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो रीडर करो, रीडर करो, फिर रीड्रॉन, देखो ये 10 ये 10 30 30, तो उसको देखो ये कितना 10, तो ये 10 ओम ये 30 ओम, तो उसके सो साइड है ये 10 ओम बस ये 30 ओम हो गया, तो ये कितना होगा ना ये 10 ये 10, तो ये साइड में जो क्रॉस पीस है ये भी 10 ओम होगा, ठीक है, तो देखो बस अभी हो गया हमारा ना ये 30 ओम ये 10 ओम ये 10 ओम ये 30 ओम ये 30 ओम बस। देखो अभी आराम से कर सकते हैं, देखो ये दोनों दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में, देखो स्ट्रेट यहां से यहां तक, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में, जल्दी बोलो जल्दी, कुछ स्टूडेंट्स ही रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये जस्ट ये दोनों डायरेक्ट स्ट्रेट, गुड वेरी गुड, मोंट तो दीपा वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया, तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उसको हम फिर सॉल्व कर पाएंगे, फिर रीड्रॉ, रीड्रॉ करो जल्दी, देखो ऐसे पूरा हम देख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इजी हो जाएगा, तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन ना सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर वन प्लस आर टू दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो देखो कितना हो जाएगा ये ना 10 प्लस 10 20 ओम, ठीक है, देन ये कितना है ये 10 ओम बस, देन उसके ये 30 ओम है उतना होगा ये, देखो टू एंड्स ऑफ द लेग मींस जो लेग दोनों एंड में हमको क्रॉस सेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो उसको हम मैं बोला था प्रीवियस क्लास में वो लाइन उसको हम क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे, तो देखो प्रीवियसली जो डायग्राम है लाइन को एक्सटेंड कर दो, ठीक है बस, देन ये कितना है 30 ओम है बस, देखो ये 20 ये 10, ठीक है, फिर रीडर कर, देखो जो दो पॉइंट में हमको कैलकुलेट करना है उसको लाइन को एक्सटेंड करना है ये याद रखो, ठीक है, फिगर में करना है,
बोर्ड देखो, ये 20 ये 10, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, जल्दी बोलो ना। ये देखो, ये दोनों दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, आरपी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, ये फॉर्मूला था। तो डायरेक्ट कर दो, कितना होगा ये 20 इंटू 10 बाय 20 प्लस 10, तो 200 बाय कितना हुआ 30 होगा, ठीक है। तो कितना हुआ ये 20 बाय 3, ठीक है। तो 20 बाय 3 ओम आ गई, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको फिर रिड्रॉ कर दो। देखो कितना ये 20 बाय 3, ठीक है। कितना है ये ना 30 ओम 30 ओम, ठीक है। बस अभी देखो ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है, आराम से आ गया हमारा, बहुत बढ़िया से इजीली आराम से आ गया। कौन सा कॉम्बिनेशन में है तीनों, 30 20 बाय 3 ओम और ये 30 ओम, कौन सा कॉम्बिनेशन में, वेरी गुड वेरी गुड, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो लास्ट में डायरेक्ट फिर रिड्रॉ, ट्वेंटी बाय थ्री 30 ये 30 ओम, ठीक है। तो देखो आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कैलकुलेट करना है, हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना लगा ये 20 बाय 3 प्लस 30 प्लस 30 60, ठीक है। देखो ये 3 है तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा 200 बाय 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगी ये 3 6, 18 प्लस 6 66.7, ठीक है। हमारा आंसर है 66.66, गुड। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 66.66 हो गया। बस इसे पर क्वेश्चंस आएगा तो बहुत लेंदी होगा, तो लेंदी करके हमको सॉल्व करना है, बीट बाय बीट रीड्रन करके सॉल्व करना है। देखो रीड्रन करके डायग्राम को रीड्रन कर पाओगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये याद रखो। अंडरस्टूड नॉट दिस कांसेप्ट, दिस टाइप ऑफ कांसेप्ट और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आएगा क्वेश्चन में बोर्ड में एनटीएससी केबीपीए में, तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऐसे वाला जैसे आएगा क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यस और नो, अंडरस्टूड नॉट, हां 66.6, हाँ, टू पेजेस डायग्राम, डायग्राम ऑब्वियसली टू पेजेस आएगा, उसको सॉल्व करके ड्रॉ रीड्रॉ करके सॉल्व करना है, गुड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे और टेक ए स्क्रीनशॉट, देखो जल्दी करो सॉल्व करो। ठीक है, इसको लिख दो, बढ़िया। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस थोड़ा कांसेप्ट और ज्यादा कांसेप्ट क्वेश्चंस है, हमको यहाँ पे और एक थोड़ा कांसेप्ट को जानना चाहिए। जैसे मैं 29 क्वेश्चंस दिया था, वहां पे एक 13 नंबर या कितना नंबर है याद नहीं आ रहा है, वहां पे की वाला क्वेश्चंस था, की वाला, ठीक है। तो देखो वहां पे ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन लिखो रियल कॉपी में, फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर, ठीक है। जो की वाला क्वेश्चंस दिया हूं मैं, वो क्वेश्चन में वो कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। वो ऐसे वाला कांसेप्ट हमको जानना चाहिए, फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर, व्हेन द स्विच के, ये स्विच वहां पे स्विच है के और एस जो भी पाओगे ठीक है लिखो, स्विच के इज बीट आई में ओपन दिया है, बीट आई में ओपन एंड सेकंड बीट में क्लोज्ड,
ठीक है, आंसर बी आई में 0.2 एम्पियर, बी टू में 0.6 एम्पियर। यहां पे देखो डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, डायग्राम दिया है 5 ओम, 10 ओम, यहां पे स्विच, ये स्विच का कुछ के है, ठीक है, देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, वोल्टेज 3 वोल्ट दिया है, ये स्विच है की और एस जो भी है, ठीक है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, 5 ओम एंड 10 ओम, तो यहां पे करंट पूछा है थ्रो 5 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट, इन द सर्किट, देखो फाइंड द करंट थ्रो द 5 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट व्हेन द स्विच के इज ओपन एंड क्लोज्ड। सपोज यहां पे दो केस में फाइंड आउट करना है, नंबर 1 इज स्विच इज ओपन एंड नंबर 2 इज स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। देखो यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट फ्लो होगा, सपोज करंट आई फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक है, तो फर्स्ट बिट केस 1 के इज ओपन, ओपन, ठीक है, राइट डाउन के इज ओपन, यहां पे देखो के ये जो स्विच है की है ये ओपन में है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी फास्ट में, जे किसको सर्किट बोलते हैं और किसको करंट बोलते हैं, जो एक्चुअली सर्किट में ना करंट कौन सा पद में करंट जो फ्लो होगा ना कौन सा पद में फ्लो होगा, तो उसको चाहिए क्लोज पद। करंट फ्लो करने के बाद मीन्स करंट फ्लो होगा जब कब होगा ना, वो क्लोज पद में ही होगा, तो जब भी करंट को फ्लो करना है तो उसके कौन सा पद चाहिए ना, क्लोज पद चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे करंट फ्लो होगा सपोज, ठीक है, यहां पे करंट फ्लो हुआ ऐसे डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो देखो फर्स्ट के इज ओपन, ये स्विच ओपन है, ठीक है, ये स्विच क्या है, ओपन है, स्विच में दिखाया था लेबोरेटरी में, ठीक है, तो स्विच क्या है ना, ओपन है, तो करंट को फ्लो करना है तो उसको क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए ना, क्लोज पद चाहिए, तो यहां पे जो कुछ करंट फ्लो होगा, तो यहां पे देखो ये तो स्विच ओपन है, ठीक है, तो यहां पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, देखो ये करंट फ्लो हो रहे हैं, यहां पे करंट आई, ये करंट आई फ्लो हो रहे हैं, तो यहां पे देखो ये जो पॉइंट जंक्शन में, तो यहां पे नहीं जा पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्विच क्या पे है ना, ओपन में है, तो करंट कौन सा पद में फ्लो होगा और कौन सा पद उसको चाहिए ना, क्लोज पद चाहिए, तो ये तो ओपन है, तो यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, मींस इसको क्रॉस मार्क कर दो, यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो फर्स्ट के इज ओपन, के इज ओपन, देखो ठीक है, हाँ थोड़ा जस्ट रुको, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ ठीक है हो गया, हाँ देखो के इज ओपन, तो ये देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे करंट कौन सा पद में चाहिए उसको ना, क्लोज पद चाहिए, तो यहाँ पे ये स्विच क्या है, ओपन है, तो देखो तो करंट जो फ्लो हो रहे हैं तो उसके बीच में कौन कौन रेजिस्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट सपोज फ्लो नहीं होगा क्योंकि स्विच ओपन में है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा, तो ये डायरेक्शन देखो 5 ओम 10 ओम, ये दोनों रेजिस्टर को जाकर ही करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि के ओपन कंडीशन में है, तो ओपन कंडीशन में ये ओपन जो पाथ है, ओपन है स्विच जो है, वो स्विच ओपन में नहीं फ्लो होगा, उसको कौन सा पाथ चाहिए ना, क्लोज पाथ चाहिए, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को लेकर ही करंट फ्लो हो रहे हैं, तो यहां पे देखो 5 ओम एंड 10 ओम ये कौन सा कॉम्बिनेशन में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उसको आर इफेक्टिव कितना होगा, 5 ओम प्लस 10 ओम कितना है, 15 ओम, ठीक है, ओके, तो कितना आ गया ना आर इफेक्टिव, दोनों रेजिस्टेंस कितना है ना 10 ओम,
वोल्टेज पोटेंशियल कितना दिया है ना 3 वोल्ट, कितना दिया है 3 वोल्ट। तो ये जो की ओपन में कितना करंट अभी हम फ्लो कर सकते कर पाएंगे फाइंड आउट कर पाएंगे ना, आर इफेक्टिव इतना कितना आ गया ना 10 प्लस 5 कितना है 5 50 50 ओम आ गया 5 ओम प्लस 10 ओम तो कितना है 3 वोल्ट। तो हमारे पास हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर देन आई इक्वल टू वी बाय बी कितना है 30 और ये 15 है तो कितना हुआ ये 1/5 तो 1/5 कितना एंपियर 0.2 एंपियर। हमारा आंसर फर्स्ट बिट में 0.2 एंपियर है ठीक है। तो ऐसे तो ये जो करंट फ्लो होगा तो बीच में कौन कौन रेजिस्टर्स है ना 5 ओम 12 ओम रेजिस्टर है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन में है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इफेक्टिव कितना हो रहा है ना 5 + 10 दैट इज योर 15 ओम। तो हमारे पास आ गया आर पोटेंशियल कितना करंट है बैटरी ना 3 वोल्ट तो V इक्वल टू आई आर आई इक्वल टू वी बाय आर वी कितना है 3 देन ये आर 15 तो कितना आ गया 0.2 एम्पीयर फास्ट। और भी कांसेप्ट है के इज क्लोज सेकंड सपोज ये जो की क्या है ना क्लोज है तो मान लो उसको मैं क्लोज कर दिया तो सेकंड में ऐसे कर दो जस्ट डायग्राम को ये क्या है ए इज क्लोज्ड सेकंड केस। तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट है थोड़ा कॉन्सेप्ट है यहां पे देखो क्या है कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ वेरी गुड करंट हाफ हो गया हाँ वेरी गुड बोया ठीक है सबको सबका पास कॉन्सेप्ट है बढ़िया। तो यहां पे देखो तो की ओपन में ये दोनों क्या हो गया ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सीरीज कनेक्शन में है तो कितना हो गया 15 ओम तो V इक्वल टू आई आर आई निकल गया ना के इज ओपन में देन अभी मैं की को क्लोज कर दिया जो की देखे थे हम लोग कहां पे लेफ्ट में तो उसको मैं वो जो पॉइंट जो है होल है उसको मैं क्या कर देगा क्लोज कर दूंगा। तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट है जो रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम है और जो करंट फ्लो हो रहे हैं ठीक है तो एक्चुअली जो करंट फ्लो होगा तो एक्चुअली करंट फ्लो जो होगा ना ये करंट हमको मालूम है ना क्लोज पाथ में ही फ्लो होगा ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ गया तो वहां पे कॉन्सेप्ट है ना करंट फ्लो होगा जहां पे वेरी लो रेजिस्टिविटी रहेगा यहां पे ना वेरी लो रेजिस्टिविटी उसको चाहिए कौन सा डायरेक्शन में कौन सा रेजिस्टेंस में वो करंट फ्लो होगा ना वेरी लो रेजिस्टिविटी में और करंट कितना फ्लो होगा ना वेरी लो रेजिस्टिविटी करंट ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट को याद करंट देखो करंट देखो सब मान लो तुम्हारे घर में और घर से कहां एक जा रहे हैं तुम लोग वहां पे दो रास्ता है ठीक है दो रास्ता है वन इज बिग प्लान ठीक है बहुत बढ़िया रास्ता है और एक में काटा-पाटा बहुत सारा मींस खतरनाक रास्ता है मान लो ठीक है। तो तुम कौन सा रोड को कौन सा रास्ता को प्रिफर करोगे तो प्लान जहां पे आराम से इजीली हो पाएगा ठीक है। तो ये क्या है ना बहुत खतरनाक है वहां पे बहुत टाइम लगता है और बहुत मींस दिक्कत है वहां पे तो तुम प्रिफर करोगे कहां पे ना जो प्लान रास्ता में जो बढ़िया रास्ता है ठीक है। तो ऐसे भी करंट को फ्लो होने के बाद ना वेरी लो रेजिस्टिविटी तो उसके बाद नहीं रेजिस्टेंस नहीं है जो वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है वो रेजिस्टेंस के रास्ता में ही फ्लो करेगा ठीक है। तो यहां पे देखो ये तो क्लोज हो गया बट यहां पे देखो ये तो 10 ओम रेजिस्टर है ना वेरी लो रेजिस्टिविटी बट ये डायरेक्शन तो रेजिस्टेंस नहीं है बात को समझ में आ रही। तो ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन में रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है मींस वेरी लो रेजिस्टिविटी बात समझ में आ रहे। तो जब ये फ्लो होगा ना करंट कहां फ्लो होगा कौन सा पाथ में फ्लो होगा ना क्लोज पाथ में फ्लो और उसको क्या चाहिए ना वेरी लो रेजिस्टिविटी पाथ जहां पे है ना वो डायरेक्शन में ही ज्यादा करंट फ्लो होगा ये बात को और ये कॉन्सेप्ट को याद रखो ठीक है। दो रास्ता है ना जहां पे कम रेजिस्टेंस है
मींस वेरी लो रेजिस्टिविटी, कम रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्शन में ही करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो यहां पे देखो ये जो डायरेक्शन है यहां पे तो रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि देखो करंट ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होगा, यहां पे डिसाइड करेगा करंट, क्योंकि एक जंक्शन आ गया, यहां पे डिसाइड करेगा मैं कौन से रास्ता में फ्लो होगा और कौन सा रास्ता मैं फ्लो करूंगा, ये जो पॉइंट में करंट डिसाइड करेगा। तो करंट कैसे डिसाइड करेगा, ना कौन सा पाथ में डिसाइड करेगा, ना क्लोज पाथ में, और वेरी लो रेजिस्टिविटी पाथ में, जहां पे लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम है, वो रास्ता को ही प्रीफर करेगा, क्योंकि तुम लोग बढ़िया रास्ता को प्रीफर किए, तुम लोग खतरनाक रास्ता को प्रीफर नहीं किए, बेस तुम्हारा आराम से हो, तुम्हारा जितना भी रेजिस्टेंस पावर है, रेजिस्टिविटी पावर है, तुम्हारा वो रास्ता आराम से तुम लोग जा पाओ, ठीक है, इसलिए फास्ट रोड को तुम लोग प्रीफर किए, ठीक है, पर जो खतरनाक रास्ता है उसको तुम लोग प्रीफर नहीं किए। तो ऐसे भी करंट, बिकॉज करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका भी कुछ मान है, तो कौन सा रास्ता में जाएगा, ना जहां पे वेरी लो रेजिस्टेंस मींस कम रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस में करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये तो रेजिस्टेंस है 10 ओम, बट यहां पे क्या है, क्लोज है, और कौन सा भी रेजिस्टेंस नहीं है, कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये 10 ओम यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये रास्ता ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो करंट फ्लो किया, जब करंट फ्लो करने लगेगा तो कौन सा रेजिस्टेंस में, थ्रो 5 ओम रेजिस्टर, थ्रो 5 ओम रेजिस्टर, तो उसको बीच में वो मिडिल पॉइंट में कौन आया, ना 5 ओम रेजिस्टेंस आया। तो इसलिए यहां पे k इज क्लोज्ड मींस r इक्वल टू कितना है 5 ओम। तो यहां पे फ्लो क्या, यहां पे डिसाइड किया, क्योंकि 10 ओम को नहीं हम करेंगे, क्योंकि 10 ओम में करंट फ्लो नहीं होगा अभी, क्योंकि मैं बोल दिया ना वो जहां पे लो रेजिस्टेंस है जो पाथ में, वो पाथ में ही वो करने लगेगा। तो r इक्वल टू 5 ओम आ गया, ना यहां पे v इक्वल टू ir फार्मूला है, देन i इक्वल टू क्या है, ना v / r, तो v कितना है 3/5, ठीक है, तो कितना है ना 3/5, 3 वोल्ट है और ये 5 ओम है, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्लॉक करंट फ्लो होने के बाद कौन सा रेजिस्टर है, 5 ओम रेजिस्टर है, तो 3/5 इक्वल टू कितना होगा, नाउ 120.6 एंपियर। तो हमारा आंसर आ गया ना i इक्वल टू 0.2 एंपियर व्हेन की इज ओपन, और व्हेन की इज क्लोज दैट इज योर i इक्वल टू 0.6 एंपियर, ओके। ये कांसेप्ट को याद रखो, जो भी जितना भी जहां पे भी ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से तुम लोग ये कांसेप्ट को प्रिफर कर पाएंगे, ठीक है ना, कौन सा प्रिफर, ना ये करंट का प्रिफर और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशंस है, पाथ पाथ को लेकर, की इज क्लोज्ड की इज ओपन, ठीक है, ओपन में क्या होगा ना, ये आराम से जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को मिला के आराम से हम लोग आई करंट फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि ओपन रखा ये तो यहां पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्लोज पाथ में फ्लो होता है, तो इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में दोनों रेजिस्टेंस आया था, दोनों रेजिस्टेंस को मैं ऐड कर दिए, कितना आया 15 ओम, तो 15 ओम थ्रो जो रेजिस्टर में इतना कितना करंट आएगा, 0.2 व्हेन ई इज ओपन, और व्हेन ई इज क्लोज दैट इज योर 0.6 एंपियर। अंडरस्टूड और नॉट, ना कोई डाउट्स है, वेरी गुड आंसर, गॉट, गुड। की क्लोज वाला, अरे मैं बोला ना की इज क्लोज्ड, अरे ये की को क्लोज में कर दिया, नियर का कहां माइंड है तुम्हारा, की इज क्लोज्ड तो क्लोज में कर दिया, तो करंट को ये जो कांसेप्ट को याद रखो ना, करंट फ्लो करेगा वो कौन सा पॉइंट, यहां पे जो करंट आया वहां पे डिसाइड करेगा एक जंक्शन में, ना कौन रास्ता में जाऊंगा, ठीक है, मैं जो एग्जांपल दिया तुम्हारा जो ये रास्ता है बढ़िया रास्ता है खतरनाक रास्ता है, तुम तो बढ़िया रास्ता को प्रीफर करोगे, तो करंट प्रीफर करेगा जहां पे लो रेजिस्टेंस है, वेरी लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम है, यहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो यहां पे देखो यहां पे कुछ रेजिस्टेंस लगा है क्या, लगा नहीं है, बट ये पाथ में रेजिस्टेंस लगा है, तो वेरी लो रेजिस्टेंस कहां पर आया रे, ना ये पाथ में आया, तो ये पाथ में ही मूव करेगा, दैट इज योर कांसेप्ट, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है तो वेरी लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है मींस क्या है, जीरो है, तो की इज क्लोज, तो ये रास्ता में ही करंट फ्लो करने लगा, ये रास्ता में नहीं जाएगा,
तो ये ऐसे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होकर ये तो कि इस फ्लो देन आर, तो जब ये फ्लो हो रहा है तो कितना रेजिस्टेंस आ रहे हैं ना, थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहे हैं, तो v इक्वल टू ir, p इज क्लोज, r इक्वल टू कितना है ओनली 5 ओम, देन v इक्वल टू ir 0.6 एंपियर। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे चुके, गुड। हां अभी अंडरस्टूड और नॉट न्यारिका? वेरी गुड, बस तो प्रिफर करेगा कौन सा पार्ट, क्लोज पार्ट, और ये जो वेरी लो रेजिस्टेंस है, वेरी लो रेजिस्टेंस, जहां पे रेजिस्टेंस कम रहेगा वो रेजिस्टेंस ही प्रिफर करेगा। तो यहां पे क्या था, ओनली 5 ओम रेजिस्टेंस के लेकर ही करंट फ्लो हुआ था, इसलिए 5 ओम में आर को लिखा। अंडरस्टूड नॉट? वेरी गुड। देन देखो और एक बढ़िया क्वेश्चन है, एमीटर रीडिंग वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, इफ द रीडिंग, इफ द रीडिंग जल्दी लिखो ऑफ द एमीटर A1 इन फिगर इज 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, व्हाट विल बी द एमिटर A2 एंड A3 जो दो क्वेश्चन में क्या, ठीक है वो साइड में लिख दो। फर्स्ट क्वेश्चन आया था तुम्हारा एनटीएससी केवीपीवाई का 2014 एंड 16 में आया था फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, और जेई क्लास 12 जेई नीट में भी आया था तुम्हारा 1998 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था एनटीएससी केवीपीवाई क्लास 10 का 2014 आया था और 15, ठीक है, और जेई नीट क्लास 12 के लिए ओएटी के लिए वो आया था 19 में 2002 में आया, ठीक है, साइड में लिख दीजिए क्लास एक्स और क्लास एक्स डबल आई A2 एंड A3 रीड, देन नेगलेक्ट द रेजिस्टेंसेस, नेगलेक्ट द रेजिस्टेंसेस ऑफ द एमिटर्स, ठीक है। ये केवीपीवाई आया था 2015, कौन सा सेट में आया था, आंसर आएगा उसका 1.6 एम्पियर एंड 4.0 एम्पियर, ये आएगा, ठीक है। फिगर क्या है, फिगर ड्रॉ करो, इस अलग लिख गया तो मैं इरेज कर रहा हूं, देखो 14 16 1 2, ये क्लास 12 के लिए, क्लास 10 वाले क्लास 10 का लिखो, क्लास 12 वाले क्लास 12 भी लिखो, ठीक है। तो यहां पे फिगर दिया है, देखो एमिटर ए A3 A1 A2 ठीक है, A1 A2 यहां पे दिया है 20 ओम, यहां पे दिया है 30 ओम, ठीक है। यहां पे सपोज एक करंट फ्लो हो रहा है I, मान लो करंट फ्लो हो रहा है I, यहां पे जितना इन होगा यहां पे कितना आउट होगा, यहां पे करंट इन जितना होगा यहां पे करंट I भी इतना होगा आउट, इसलिए मैं एक्सटेंड करके ये I दे दिया हूं, ठीक है। तो जो I करंट फ्लो होगा तो यहां पे डिवाइड होगा, क्योंकि
करंट यहां पे डिवाइड होगा, यहां पे डिवाइड है, दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है ये 20 ओम और 30 ओम, तो सपोज मान लो यहां पे करंट I1 फ्लो होगा, यहां पे करंट I2 फ्लो होगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन देखो, इफ द रीडिंग ऑफ द एमिटर M1 इज 2.4 एम्पीयर, मींस ये जो M1 एमिटर क्या करता है, एमिटर क्या करता है ना, मेजरमेंट करता है किसको, करंट को। तो A1 मींस एमिटर, एमिटर का रीडिंग 2.4 एम्पीयर, मींस यहां पे I1 ही करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना एम्पीयर ना, I1 इक्वल टू 2.4 एम्पीयर। तो राइट डाउन I1 इक्वल टू 2.4 एम्पीयर, दैट इज द रीडिंग ऑफ A1, ठीक है। A1 को मींस A1 रीडिंग जो एमिटर करंट फ्लो होगा कितना दे दिया है 2.4 एम्पीयर, मींस हमको जब ये I2 कैलकुलेट कर देंगे तो वो दोनों को मिला देंगे, आराम से आ जाएगा ये I जो इन होगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहे हैं, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस जो पाथ है यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2.4 एम्पीयर है, बट ये I2 कितना होगा, तो इसको जो आएगा वो दोनों को मिला कर देंगे I आ जाएगा। भाई हमको ये I भी कैलकुलेट करना है और I2 भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, फाइंड व्हाट विल बी द एमिटर A2 एंड A3 रीड, मींस A2 का रीडिंग मींस करंट का रीडिंग I2 कितना होगा एंपियर, एंड A3 मींस I सपोज मान लो ये I का रीडिंग कितना होगा। तो A2 और A3 का रीडिंग ही तुम लोग निकालो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर, एमिटर में जो है एमिटर का रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे देखो, तो एमिटर क्या है ना, एमिटर क्या करता है ना, करंट को मेजरमेंट करता है। तो A1 यहां पे देखो बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है 20 ओम है, तो A1 का रेजिस्टेंस यहां पे किधर लिखो, A1 एमिटर का वो जो पाथ है रेजिस्टेंस कितना है ना, 20 ओम है, ठीक है। यहां पे कुछ पोटेंशियल वगैरह है क्या, नहीं है, तो पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो ये R 20 ओम है, I1 2.4 है, तो यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, ना फॉर्मूला क्या है ना, V इक्वल टू क्या है, IR फॉर्मूला है, ठीक है। तो I कितना है रे ना, 2.4 I1 इनटू रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 2.4 इनटू 20 तो कितना आ जाएगा, ये ना 4. तो यहां पे कितना आ जाएगा, हाँ तो ये 20 है, ये 2.4 है, तो कितना आ जाएगा, ये ना 48 वोल्ट हो गया। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है, 48 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो आ गया ये I1 का, ठीक है। तो I2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी यहां तो पोटेंशियल नहीं है, आराम से पोटेंशियल कर पाएंगे, कैसे पोटेंशियल कर पाएंगे, देखो ये दोनों अरे कौन सा कॉम्बिनेशन में है, कौन सा कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, नहीं, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हिच फिजिकल क्वांटिटी रिमेंस कांस्टेंट ना, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस कांस्टेंट इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दिस नहीं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस कांस्टेंट। सपोज यहां पे पोटेंशियल 48 वोल्ट है, तो ये में भी कितना होगा ना, 48 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट रिमेन कांस्टेंट इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो पॉइंट है वो दोनों जो पाथ है उन दोनों पाथ में जो दो पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल 48 वोल्ट है, तो यहां में भी पोटेंशियल 48 वोल्ट ही होगा, तो ये पाथ है, क्योंकि ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना पोटेंशियल भी रिमेंस कांस्टेंट, भी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो आ गया यहां पे देखो कितना ना पोटेंशियल हो गया। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे ना, I2 फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां पे नेक्स्ट I2 इनटू कितना रजिस्टर, I इंटू आर ओम 30 इक्वल टू पोटेंशियल कितना है 48, ये सर नो, B इक्वल टू आई फॉर्मूला,
इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आई पुट कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? देखो इतना तो स्टेप करके चलो। तो I2 into 30, I2 करंट हमको फाइंड आउट करना है, तो कितना हुआ I2? जल्दी बोलो, जल्दी कितना हुआ, जल्दी कैलकुलेशन करके जल्दी बोलो। फर्स्ट आया कितना? I1 था 2.4 ओम एम्पीयर तो दिया है, I2 हमको कैलकुलेट करना है, तो I2 कितना हुआ जल्दी बोलो। पीयूष कुमार पुरोहित V by R, I equal to V by R, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये ना 48 by 30 हो जाएगा ये, तो कितना होगा 6865, तो 8 by 5, तो कितना हो जाएगा 5.1.6 आएगा आई थिंक सो। वेरी गुड, 1.6 एम्पीयर, गुड 1.6 एम्पीयर आ गया। तो यहां पे देखो ये जितना इन करेगा उतना भी आउट करेगा, बात समझ में आ रहा है? ये जितना भी इन करेगा करंट यहां पे ही आउट करेगा करंट, ठीक है। तो ये जो आई है, आई किसे हम था, ये तो आई2 आ गया, कितना आया आई2 इक्वल टू 1.6 एम्पीयर आ गया। I1 है, I2, तो वो दिन दिनों दोनों को मिला दूंगा और मिला देंगे हम लोग, तो ये यहाँ पे इतना फ्लो होगा, तो 2.4 और कितना 1.6 जितना होगा, तो यहाँ पे कारण इतना ही फ्लो होगा I, क्योंकि वो जितना भी फ्लो होगा वहां पे डिवाइड होगा, ये सुन लो। तो यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो I को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कितना है ना 2.4 एम्पियर प्लस I2 कितना आया 1.6 एम्पियर, तो कितना आ गया I इक्वल टू, जल्दी बोलो आराम से रे, कुछ नहीं 2.4 1.6 कितना है 4 एम्पियर, तो कितना आया ये I2 इक्वल टू 1.6, यहां पे I इक्वल टू कितना है 4, तो यहां पे 1.6 4.0 और 4 एम्पियर जो भी है, तो आराम से आ गया ना नहीं। तो ये बार ये 48 वोल्ट के बाद ये लिखो, ठीक है, देन उसके बाद ये करना है, तो टोटल करंट, तो हियर आंसर इज I इक्वल टू 4 एम्पियर, मींस ए ए3 रीडिंग का, ए3 रीडिंग का, देन I2 दैट इज 1.6 एम्पियर, कौन रीडिंग का A2 रीडिंग का, तो A2 एंड A3 रीड हो गया, तो उसका रीडिंग कितना है 4 एम्पियर एंड 1.6 एम्पियर। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसे हमको सॉल्व करना है, समझ में आ गया अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जो 4 एम्पियर दोनों में डिवाइड हो गया, तो यहां पे आराम से सॉल्व कर पाए, क्योंकि करंट को हम कौन सा एडिशन में हम ये करते हैं, करंट इज स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल हम एल्जेब्रिक एडिशन हमको यहां पे फ्लो एल्जेब्रिक एडिशन यहां पे ओबे करेगा, तो 2.4 प्लस 1.6 को दोनों मिलाए कितना आएगा 4 एम्पियर, दैट्स व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, और दैट स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी, मैं फर्स्ट क्लास में बताया था टेंसर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, पर उससे इस ऐसे वाला क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं टेंसर, टी एन एस ओ आर, द स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी, टेंशन नहीं है टेंसर, टी एन एस ओ आर, ओके। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर पाओगे ना, यहां पे डाउट है कुछ? वेरी गुड, बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं, गुड। चिन्मय नायक 4.0 स्मॉल ए लिखो, स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए क्या है तुम्हारा चिन्मय नायक, तुम मार खाओगी, फास्ट कैपिटल ए मींस एम्पियर जो करंट का यूनिट रे, हाँ वेरी गुड, सॉल्व कर पाएंगे, वेरी गुड। देन और एक क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन लिखो, टाइम हो गया क्या,
मिनट है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हूं। मजा आ रहा है नानी, ऐसे वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, बहुत मजा है नानी। अरे इंटरेस्ट और इंटरेस्टिंग का नॉट, हाँ कुछ नहीं है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम सॉल्व करो नहीं तो खुद तुम लोग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। और ये याद रखो मेरा डायलॉग को, हाँ क्वेश्चन लिखो, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये क्वेश्चन नंबर फोर, अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर है ये, करंट इन सीरीज इज 9 ओम एंड सब लोग रेस्पॉन्स दो, ठीक है, मैं तो मार खाऊ तुम्हारा अटेंडेंस पूरा काट दूंगा 10 डेज के लिए, और टेस्ट पेश होगा तो टेस्ट पेपर 10 मार्क काट दूंगा डायरेक्ट। क्या 50% सुदीपा, क्या 50% तुम तो क्लास अटेंड नहीं करोगे, क्या होगा 50% तो ऑब्वियसली होगा, फास्ट क्लास अटेंड करे नहीं तो फास्ट तुम लोग सुदीपा फास्ट से तो तुम देखो वीडियो से, नहीं तो समझ में नहीं आओगे, ठीक है। When connected in parallel, जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को आराम से पता चल रहा है, मुझे याद है और मुझे मैं भी सोच रहा हूं और मैं आराम से डिटेक्ट कर पा रहा हूं, वो स्टूडेंट्स के लिए पूरा कंसेप्ट को याद कर रहे हैं, जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं मेमोरी का सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा फुल से फुल मार ले, आई होप, ठीक है, मेरा ये गारंटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चन आएगा, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 month हो गया हमारा डिवीजन, फिर और 10 or 15 days लागेगा, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो 9 or 10 mark ही आएगा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए अच्छा से प्रैक्टिस करो। पैरेलल व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयर रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ohm, यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस आंसर है 6 ओम एंड 3 ओम ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, एक्स एंड एक्स डबल आई बोर्ड में भी आया था, एक्स में भी आया था, एक्स डबल आई बोर्ड में आया था, कौन सा ईयर पता नहीं चल रहा है, ये बोर्ड 2009 एक्स डबल आई में आया था, 2007 एक्स बोर्ड में आया था ये, तो देखो यहां पे देखो दो रेजिस्टेंसेस है और दो रेजिस्टेंस का को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 9 ओम है। मान लो दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 गिवन टू रेजिस्टेंस, लेट ले जाओ, ठीक है, R1 एंड R2, तो ये दोनों को हम सीरीज करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन, ना सीरीज कॉम्बिनेशन मींस RS, तो कितना आएगा, वो दोनों को सीरीज में लिखेंगे तो क्या R1 प्लस R2 मींस R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना ओम दिया है, 9 ओम दिया है, बात को समझो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है 9 ओम, और वो एन कनेक्टेड इन पैरेलल, सपोज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो RP फॉर्मूला क्या है ना, R1 इनटू R2 बाय R1 प्लस R2 प्रोडक्ट बाय सम फॉर्मूला है, कितना है उसका रेजिस्टेंस ना 2 ओम रेजिस्टेंस, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये है, आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये,
सीरीज एंड पैरेलल का, ये कोर्सेज में दिया है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, मींस हमको R1 एंड R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना ओम होगा वहां की, ठीक है। तो यहां पे बात को समझो, सुमित रंजन नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहां पे नेटवर्क अच्छा हो रहा है वहां पे देखो जाकर बैठो, ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो प्रॉब्लम, सॉल्व करो नहीं तो प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। तो R1 एंड R2 हमको फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे। तो यहां पे गिवन दिया है R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 ओम, ठीक है, ओके। देन R1 बाय R2 बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना है 9 है, तो यहां पर हम लाइन लिख सकते हैं इक्वल टू 2 ओम। तो क्या हो जाएगा ये R1 R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। तो ये देखो, ये वैल्यू को याद रखो और ये वैल्यू को याद रखो, ठीक है। यहां पे एक कांसेप्ट आएगा मैथमेटिक्स का, फार्मूला आएगा। देखो R1 R2 दिया है क्या प्रोडक्ट, ये दिया है सम, ठीक है। तो फार्मूला क्या बच्चों, एक मालूम है a माइनस b रो होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस b रो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस 4ab, मालूम है a माइनस b रो होल स्क्वायर। सपोज मान लो a इक्वल टू r1 b इक्वल टू r2, तो r माइनस r2 उसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद कितना आया ये 18 ओम आया। नाउ r1 माइनस r2 रो स्क्वायर इक्वल टू R1 plus R2 रो स्क्वायर माइनस 4AB means 4R1 R2, ठीक है। तो अभी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, देखो R1 minus R2 रो स्क्वायर, R1 plus R2 कितना है 9 ओम, मींस मान लो 9 रो स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, माइनस 4 into, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमको मालूम है इसलिए ये फार्मूला यहां पे पुट अप किया। तो देखो ये दोनों आगे ऐसे वाला, तो यहाँ पे ऐसे वाला हमको फॉर्मूला में पुट अप करेंगे, यार ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा तो आराम से ये ही हमको कॉन्सेप्ट को वहां पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो R1 into R2 कितना है 18 है, तो 81 माइनस कितना होगा ये 2 और 7 72, तो कितना आया 9। तो R1 माइनस R2 रो स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 9, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 कितना आएगा 3 आएगा। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 3 आ रहे हैं, ठीक है, R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना है 2। तो अभी आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे, देखो R1 माइनस R2 इक्वल टू 3, देन R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है 9 है, ठीक है। तो देखो फिर ये सॉल्व करो ऐसे, R1 माइनस R2 इक्वल टू 3, R1 प्लस R2 इक्वल टू 9, ये गिवन है, R2 R2 कैंसिल हो गया, 2R1 इक्वल टू, देखो 2R1 इक्वल कितना होगा ये 9 प्लस 3 कितना दे 12, तो R1 इक्वल टू कितना होगा 12 बाय 2 दैट इज योर 6 ओम। देखो तो R1 इक्वल टू 6 ओम, तो कितना हो जाएगा ये पुट करो, R1 इक्वल टू 6 ओम, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 ओम ये है, तो R1 6 ओम है, तो 6 प्लस R2 इक्वल टू इतना तो आएगा ना, इतना दिख रहा है ना, देखो तो हाँ दिख रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है दिख रहे हैं, 6 प्लस इतना तक दिख रहा है, ठीक है। तो 6 प्लस 8 इक्वल टू कितना है 9, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ओम आ जाएगा, तो आ गया आंसर। तो R1 इक्वल टू कितना है 6, R2 इक्वल टू 3, तो दोनों को मिला के कितना आएगा 9 आएगा। तो आप सीरीज का जो डायग्राम है वो परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए राइट डाउन लास्ट में लिखो R1 इक्वल टू 6 ओम एंड R2 इक्वल टू, ये तो हमको कैलकुलेट करना था।
Now calculate the value of each resistance. So R1 equal to 6 ohm, R2 equal to 3 ohm. ठीक है? Okay. तो ऐसे हमको solve करना है. तो ऐसे वाला question आएगा तो solve कर पाओगे या नहीं? कर पाओगे नहीं? Up to this, understood or not? तो ये दोनों आ गया. तो ऐसे वाला तो ये mathematics का formula, ये formula use करना है. और करके find out ना ये दोनों equation आ गया. तो इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया मैथमेटिक्स के हिसाब से. तो सॉल्व करते क्या हो जाएगा, r1 आ गया तो एक वैल्यू आ गया तो r1 का वैल्यू आ जाएगा तो 6 है और सेकंड वाला कितना है 3 ओम. तो 6 ओम दैट इज योर r1 एंड r2 इक्वल टू 3 ओम. ओके अंडरस्टूड. हां ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन हम किए थे क्लास में किए थे आई थिंक सो. हां तो बढ़िया आराम से सॉल्व कर पाओगे. गुड वेरी गुड. सब लोग आंसर दो रेस्पॉन्स दो. और एक सिंपल वाला देखो. सिंपल वाला तो क्वेश्चंस है बट थोड़ा मींस जस्ट 5 मिनट ले लो और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन. लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है फिर थोड़ा मींस क्वेश्चन को कंफ्यूज लगता है. ठीक है तो कैसे हमको करना है कैलकुलेट द करंट क्योंकि तुम्हारा 10th लेवल में थोड़ा जस्ट डिफिकल्ट होगा जब 12th आ जाओगे उतना इतना भी मींस डिफिकल्ट नहीं होगा. एंड पोटेंशियल across each resistor but diagram diya hai aise wala twelve ohm hai ya aise wala bhi hum kiye the class mein I think show phir bhi dekho revise kyunki revision hai main revision pura tilt by tilt karunga bit by bit pura ये 6 वोल्ट है ये 6 ओम ये 12 ओम ये 6 ओम है करंट यहां पे फ्लो हो रहा है. ठीक है तो कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो देखो सपोज करंट आई फ्लो होगा. ठीक है तो देखो ये तो है पॉइंट यहां पे कनेक्ट है ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट फाइंड आउट कर दो ना आर पी इक्वल टू 12 * 6 / 12 + 6 2182 by कितना हुआ 8 18. ठीक है उसे सॉल्व करने को हो जाएगा 3 7 तो हो जाएगा ये कितना 4 ओम. तो ये 4 ओम हो गया उसको फिर रिड्रा कर दो ये 4 ओम ये 6 ओम 6 वोल्ट है करंट यहां पे फ्लो हो रहा है ये पॉइंट. तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर पूछा है. क्या है अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिवीजन देखो टिट बाय बिट रिवीजन करो. ओके तो ये देखो दोनों आ गया ये पैरेलल में था सॉल्व कर दिया 4 ओम तो वो दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है ना करंट फाइंड आउट करना है. यहां पे देखो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ये 6 plus 4 ohm कितना है 10 ohm. तो I equal to formula क्या है V by R equivalent V कितना है 6 6 by 10. ठीक है तो 6 by 10 आ गया. sorry ये 66 volt नहीं है ये सब 60 volt है इसको ये कर दो 60 volt है 60 volt लिखो. ठीक है 60 volt लिखो तो ये 60 है तो ये कितना आ गया 6 एम्पीयर 60 बोले तो 6 नहीं है 60 कर दो. ठीक है तो करंट कितना आ गया 6 एम्पीयर मींस यहां पे करंट 6 एम्पीयर फ्लो हो रहा है. बट यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो ये जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर में पोटेंशियल भी फाइंड आउट करो
6 ओम रेजिस्टर, ये जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर देंगे, तो यहां पे जितना पोटेंशियल होगा यहां पे भी इतना पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट। ओके, तो ये 4 ओम है, यहां पे देखो आई कितना आ गया 6 एंपियर, ठीक है, यहां पे देखो 6 ओम के लिए 6 ओम थ्रो 6 ओम रेजिस्टर कितना होगा पोटेंशियल v इक्वल टू IR, I कितना है 6 into 6 कितना है 36 वोल्ट, मींस यहां पे पोटेंशियल 36 वोल्ट ये रजिस्टर, देन 4 ओम के लिए v इक्वल टू IR, I6 आ कितना 24 वोल्ट, मींस ये कितना है 24 वोल्ट, मींस ये 4 ओम के लिए 24 वोल्ट, मींस ये दोनों को मिला के 4 ओम आया था, मींस यहां पे भी कितना 24 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहां पे भी 24 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा, ठीक है, बात को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 4 ओम कैसे आया था, वो दोनों को मिला के 4 ओम आया था, दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां पे पोटेंशियल जितना यहां पे भी पोटेंशियल इतना होगा, समझ में आ रहा है, तो 24 वोल्ट आ गया। तो यहां पे अभी हम देखेंगे 6 ओम और 4 ओम के बीच में करंट कितना फ्लो होगा, तो कितना होगा देखो ना I1 इक्वल टू करंट, सपोज यहां पे I1 फ्लो होगा और यहां पे I2 फ्लो होगा, तो I1 इक्वल टू फार्मूला क्या है ना V/R1, ठीक है, I इक्वल टू फार्मूला क्या रे V/R, तो V/R, तो 24 ये तो दोनों रजिस्टर है, दोनों रेजिस्टर्स में हमें कितना करंट फ्लो होगा वो, तो देखो V इक्वल टू R सपोज दैट I इक्वल टू और I1 सपोज मान लो V इक्वल टू R, R कितना है और यहां पे 12 ओम, तो 12 कितना आएगा 2, देन I2 फिर पोटेंशियल फार्मूला पुट करेंगे, पोटेंशियल क्या पुट करेंगे ना कितना आता है ये 24, पोटेंशियल 24 है, रेजिस्टर कितना है 6, 25/6 कितना है 4, तो ये I जो है I कितना आया था ना 6 एम्पियर, तो ये जो 6 एम्पियर फ्लो हो रहे हैं ये दोनों में डिवाइड हो गए, यहां पे 4 गया, ठीक है सॉरी यहां पे 2 और यहां पे कितना है ना 4, ये जो रेजिस्टर करंट जो डिवाइड हुआ ये फंक्शन में ये I इक्वल टू कितना आया था 6 एंपियर आया था, I इक्वल टू 6 एंपियर आया था, ठीक है टोटल, देन ये करंट डिवाइड हुआ तो थ्रू ईच रेजिस्टर में करंट कितना पूछा है, मींस 12 ओम और 6 ओम ये दोनों के लिए कितना करंट फ्लो हुआ, ऑब्वियसली I1 इक्वल टू V/R, ये फर्स्ट पुट करो, V कितना है 24 वोल्ट, यहां पे यहां पे जितना 24 वोल्ट यहां पे भी इतना 24 वोल्ट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट, तो कितना आ गया ये 24/12, ये फर्स्ट 12 ओम के लिए, ठीक है, देन 6 ओम के लिए V/R, तो 24 वोल्ट बाय 12 कितना आया 2 एंपियर, मींस यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है, देन ये 24 बाय ये रेजिस्टेंस के लिए कितना है 6 है, 24/6 कितना है 4, तो कितना है 4, तो अभी को हम करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी यहां पे प्रूव हो रहा है, बिकॉज़ इट ओबेज द अलजेब्रिक कंडीशन, अलजेब्रिक एडिशन, क्योंकि 2 ओम और 4 ओम मिला के कितना ओम 6 ओम, मींस यहां पे टोटल करंट कितना है 6 ओम फ्लो हो रहा है, तो ये I1 थ्रो 12 ओम रेजिस्टर 2 ओम और थ्रो 6 ओम रेजिस्टर 4 ओम, तो 12 ओम में कितना करंट फ्लो होगा ना 2 ओम 2 एंपियर फ्लो होगा और 6 ओम के लिए 4 एंपियर फ्लो होगा, यहां पे 2 एंपियर यहां पे 4, तो दोनों को मिला के 6 एंपियर हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो रहा है ना I इक्वल टू 6 एंपियर, बाद में समझ में आएगा, तो थोड़ा जस्ट लेंथी लगेगा, शॉर्टकट में नहीं लिख पाओगे कर पाओगे, ठीक है वेरी गुड 4 ओम गुड, तो I1 plus I2 that is your I, hence proved 2 plus 4 that is your 6 ampere,
इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट ओबेज द एल्जेब्रिक एडिशन। ओके, अब टू क्वेश्चन नंबर 5। आज जो मैं क्वेश्चंस किया है, ठीक है, इतना समझ हुआ वो पूरा तुम्हारा बेस्ट ऑफ कंसेप्ट। तो ऐसे वाला जो क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग आराम से इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अप टू दिस अंडरस्टूड और नॉट? पूरा समझ में आ गया? ठीक है, 29 to 39 जो क्वेश्चंस दिया हूं ये सब कंसेप्ट वहां पे पूरा यूज होगा। ठीक है, सॉल्व करके चलो, जो सॉल्व नहीं होगा मुझे पर्सनली कॉल करो। ठीक है, आइदर पर्सन में मैसेज करो, मैं पर्सनली डाउट क्लियर कर दूंगा। अप टू 39 तक सॉल्व करके जो क्वेश्चन दिया हूं, आज क्वेश्चन सॉल्व करके आज ही पोस्ट करो शाम तक। ठीक है, देन हम जाएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद जो 1 मार्क क्वेश्चन दिया था हाफ में था, 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नेक्स्ट लाइव क्लास जो रहेगा कहां पे, आज तो है तो कल थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे जो लाइव क्लास होगा वहां पे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो इतना तो आ गया, आराम से समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए यहाँ पे क्लास समाप्त करता हूँ। तो ये सब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का बेस्ट ऑन एनटीएससी के लिए फॉर क्लास 10 स्टूडेंट और फॉर क्लास 12 स्टूडेंट जेईई नीट ओईटी। ठीक है, तो ठीक है, ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, मुस्कुराए के पढ़ाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होगा। ओके, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।